नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी अलर्ट्स पर। KGMU यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आई है। टोटल 1291 पोस्ट हैं जिन पर कि आपकी भर्ती होनी है। तो दोस्तों, इस पोस्ट से संबंधित सभी डिटेल को यहां पर देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें और कोई भी जानकारी अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी जानकारी या सब समस्या को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स यहां पर आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट होगी वह होगी 22 जुलाई 2023 से लेकर के 10 अगस्त 2023 तक। पेमेंट की जो लास्ट डेट होगी वह 10 अगस्त 2023 होगी। और जैसे ही आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा, हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको जरूर नोटिफाई कर देंगे। अतः चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एप्लीकेशन फी देख सकते हैं। जनरल OBC EWS की 1180 रुपये, SC ST व फिजिकली हैंडीकैप्ड की 708 रुपये आपकी फीस होगी। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI मोड से। ऑफलाइन पेमेंट करने का कोई भी यहां पर सिस्टम नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप एज लिमिट देख सकते हैं। 1 जनवरी 2023 तक आपकी मिनिमम एज 18 साल व मैक्सिमम एज 40 साल हो सकती है। एज लोकेशन के लिए अभी हम आगे की स्लाइड देखेंगे दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं, SC ST या OBC कैंडिडेट हैं अगर आप, तो आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी अपर एज लिमिट में, यानी कि आपकी हो जाएगी 40+5 45 साल की आपको एज रिलैक्सेशन टोटल मिल जाएगी। दिव्यांग, डिसेबल्ड, हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं अगर आप, तो आपको टोटल 15 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, यानी कि आपकी मैक्सिमम एज लिमिट हो जाएगी 55 ईयर्स। अभी परमानेंट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं आप और 3 साल से ज़्यादा समय हो गया आपको काम करते हुए, तो आपको 5 साल की मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन मिलेगी, यानी कि 45 ईयर्स तक की आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल जो वैकेंसी है 1291 है, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है दोस्तों आपकी। इसके लिए शॉर्ट एलिजिबिलिटी डिटेल इस प्रकार है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन नर्सिंग में, यानी कि BSc नर्सिंग होनी चाहिए आपके पास, या फिर BSc पोस्ट सर्टिफिकेट, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो, या फिर डिप्लोमा हो इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी GNM में, तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इन इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका। और फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट 2 साल का एक्सपीरियंस भी जरूरी है दोस्तों। तो ठीक है, यहाँ पर डिटेल में हम देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 16/ गैर शैक्षिक नियुक्ति एग्जाम चयन। ठीक है, इसमें नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है जो कि Grade 2 की वैकेंसी है आपकी, जिसको सिस्टर भी कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल इस प्रकार है। BSc हॉनर्स होना चाहिए नर्सिंग में आपके पास, या फिर BSc नर्सिंग हो आपके पास फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड बाय इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। ठीक है, या फिर आपके पास BSc पोस्ट सर्टिफिकेट हो या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो आपके पास फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके साथ ही साथ रजिस्टर्ड हो आप एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडिया नर्सिंग काउंसिल में, तो या आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड, डिप्लोमा हो आपके पास जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड बाय इंस्टीट्यूट बोर्ड ऑफ काउंसिल। ठीक है, और इसके साथ ही साथ रजिस्टर्ड हो आप एज अ नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। और थर्ड है, इसके साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है GNM में। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ मिनिमम 50-बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशनड एज अ 2-1। यानी कि अगर आपके पास डिप्लोमा हो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में, तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि ऐसा हॉस्पिटल हो जिसमें कम से कम 50 बेड हों। ठीक है, और ये जो बैकलॉग की भर्ती है दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 15 गैर शैक्षिक नियुक्ति एवं चयन अनुभाग 2023। ठीक है, इसमें भी ये नर्सिंग ऑफिस भी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी आपकी खाली है। जैसे कि देख सकते हैं, अनरिजर्व में 510, OBC में 348, EWS में 128, SC में 279 व ST में 226 वैकेंसीज आपकी खाली हैं। टोटल आपकी 1291 वैकेंसीज हैं। अब जो यह गैर शैक्षिक नियुक्ति एवं चयन अनुभाग 2023 एडवर्टाइजमेंट नंबर 16 है, इसके अंतर्गत आप यहां पर वीडियो पॉज कर देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी खाली है किस कैटेगरी में। इसके अलावा इसका जो पेमेंट होगा, यहां पर आप देख सकते हैं 7th पे लेवल होगा आपका 7CPC के अनुसार। ठीक है, और आपका जो लेवल होगा वह होगा 7। आपकी जो सैलरी होगी मंथली वह 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक की हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप वीडियो पॉज कर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देख सकते हैं, जिसमें दिव्यांगजन, एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर व फीमेल जेंडर के लिए जितनी वैकेंसीज खाली हैं, आराम से यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा बैकलॉग कैटेगरी, जो बैकलॉग वाली भर्ती है नर्सिंग ऑफिसर की, इसमें भी यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कितनी वैकेंसी खाली है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है आपको, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं।
द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेंड इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली। ठीक है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी कि CBT होगा आपका, उसके अनुसार ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका चयन किया जाएगा। अभी जो हॉल टिकट होगा, जैसे ही आपका रिलीज होगा हम आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता देंगे एडमिट कार्ड। ठीक है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसका जो ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का होगा और जो पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, इट विल कंटेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन होंगे। दोस्तों यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं जो मल्टीपल चॉइस का आपका क्वेश्चन होगा, दोस्तों आपके पेपर में 60 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वह आपका जो पोस्ट है इसके रिकॉर्डिंग होंगे, यानी कि पोस्ट से संबंधित क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। इसके अलावा 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपके जनरल इंग्लिश पे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपके जनरल नॉलेज पे और 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग पे। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स से संबंधित और रीजनिंग से संबंधित 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और साइमल्टेनियसली 1 मार्क आपको मिलेगा आपका सही आंसर पर और 1/3 मार्क आपका जो होगा वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी रॉन्ग आंसर पर 1/3 मार्क निगेटिव मार्किंग आपके कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो पेपर हो गया वह आपका 100 मार्क्स का हो गया और इसमें 5 पार्ट हो गए यानी कि 5 सब्जेक्ट हो गए आपके। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जैसे कैटेगरी वाइज यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि 60 मार्क्स का पेपर जैसे मैंने बताया आपका पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स का जनरल इंग्लिश, 10 मार्क्स का रीजनिंग और 10 मार्क्स का ही जनरल नॉलेज और 10 मार्क्स का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, 100 मार्क्स आपके टोटल हो जा रहे हैं। तो दोस्तों इस कोर्स से संबंधित सभी डिटेल हमने यहाँ पर कवर कर लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके यहाँ कमेंट बॉक्स पर हम यहाँ अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन ऑफिशियल डाउनलोड करने का भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। आप वहाँ पर जाकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @AnkitG1432 और @SarkariNokriAlert सर्च कर भी आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको सरकारी नौकरी से संबंधित 100% जेन्यून अपडेट मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल और जय हिंद।